Today we will talk about this uh, very interesting topic of systemic pathology. So let's start. After the end of the lecture, we will able to learn about the the background of the liver cirrhosis and its introduction to the liver cirrhosis then we will discuss the morphological classification and also we will discuss about the causes which lead to the liver cirrhosis and that's the mechanisms through which the liver cirrhosis can be originated that's the basic pathophysiology after that we will discuss about the clinical manifestation and uh, we will be also able to learn and uh, answer that when it do or f fail to compensate, and what are the possible complications? and at last we will summarize the all lecture. So what is liver cirrhosis? The word cirrhosis is derived from the Greek word, which is kerosis, mean tawny, yellow color. इट इज़ द कंडीशन इन विच हेल्थी लिवर टिश्यू रिप्लेसड बाई स्कार टिशू एंड परमानंटली डेमेज विद रेड्यूस फंक्शन बेसिकली जो हमारे पास लिवर सरोस है ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर इन्वाल्व हो सकते हैं और ये एक एंड स्टेज डिजीज़ है जो ग्रेजुअली लेवर के पेरनकैमा को डैमेज करते हुए एंटायर लेवर इसमें एट द एंड इन्वॉल्व हो जाती है और जिसको हम आखिर में लेवर सेरो कह सकते हैं डिफिनेशन इसके कुछ यू है दट द एंड स्टेज लिवर डिजीज़ मार्क्ड बाय डिफ्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटायर लेवर इन टू रीजनरेटेड पेरनकैमल नोड्यूल्स सराउंडड बाई फेवर्स बैंड विद वेरिएबल डिग्री ऑफ वस्कुलेशन ट मतलब ये है कि ये एक एंड स्टेज डिजीज है जिसमें ग्रेजुअली अगर कॉजिटिव एजेंट एक नाक्शिक स्टमुलाई क्रिएट करके लिवर के पेरन कैमा को डेमेज कर देती हैं आगे हम इसकी ब्रीफ मैकेनिज़्म पढ़ेंगे लेकिन डिफिनीशन को आप समझ लिवर सरोसिस एक एंड स्टेज डिज़ीज़ है जिसमें इसकी जो रिजनरेशन कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और इसकी वजह से इतना सीवियर इंजरी हो जाता है कि पेरनकैमल नोड्यूल्स बन जाते हैं जो फेब्रस बैंड के ज़रिए सराउंडेड हुए होते हैं और साथ में इसके साथ वस्कुलर शंटिंग भी हो जाती है ये तीन चीज़ें आप जहन में याद रखें आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ये जो पेरनकैमल नोड्यूल्स हैं ये बेसिकली सर्वाइविंग हेपेटोसाइट होते हैं मेन हमें पता है कि लिवर एक वेल रिजनरेटेड कैपेबल ऑर्गन है इसके जो सेल है हेपेटोसाइट है इसमें रिजनरेशन कैपेबिलिटी है लेकिन अगर इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन काज हो सीवियर डैमेज उसको काज हो तो इसमें बाज हैपेटोसाइट फ़ेल टू कम्पनसेट फेल टू रिजनरेट सो उस रीजन पर हैपेटोसाइट की जगह हैपेटोसाइट स्टेलाइट सेल वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और वो अपने एक्टिव साइट को और एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम मायोफेब्रोब्लास्ट कहते हैं और वही मायोफेब्रोब्लास्ट वो इस पेरनकैम नोड्यूल्स के इर्द गिर्द एक एयरेगुलर बैंड ऑफ फेब्रोसिस बना देती है आपको ये बात याद रखना चाहिए कि एक फोकल इंजरी की वजह से जो स्कारिंग हो जाती है मतलब एक लोकलाइज रीजन पर एक लोब्यूल में अगर इंजरी हो जाए और वहाँ पर स्कारिंग हो जाए तो ये सिरोसिस को कन्वर्ट नहीं हो सकता सिरोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है और इसमें आ, मतलब ये एक सीवियर इंजरी है और ये ग्रेजुअली ये डिफिनीशन में आप देख सकते हैं कि डिफ्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटायर लिवर सो एक फोकल इंजरी कैन नाट कन्वर्ट टू लिवर सरोसिस लिवर सरोसिस बेसिकली इसमें ऑलमोस्ट एटी परसेंट लिवर की डैमेज हो जाती है और दैन दे के लूज रिजनरेशन कैपेबिलिटी अगर इसकी एपिडमियालोजी की बात की जाए तो ये एक, एक सीवियर और प्रोलॉन्ग कोर्स है इसका मतलब ये ग्रेजुअली क्रिएट होता है और ये नाइन्थ लीडिंग काज है डेथ का यूनाइटेड स्टेट में इसी तरह जो थर्टी फाइव टू फिफ्टी फोर एज के पर्सन होते हैं उसमें ये फोर्थ लीडिंग काज है और एक रिसर्च के मुताबिक 2017 में मोर देन 1.3 मिलियन पीपल हैव बीन डेथ जिसकी डेथ अगर हुई है लिवर सरोसिस से 2017 का एक रिसर्च के मुताबिक 1.3 मिलियन डेथ लिवर सरोसिस से हुई है और जिसमें टू थर्ड जो है वो मेन इन्वाल्व है इसकी भी कुछ काजेज़ हैं मेन uh, काज इसका ये है कि मोर मैन आर सफर फ्राम अल्कोहलिजम और हमें हम पता है कि अल्कोहलिज्म आर द मैन फैक्टर डेट कैन लीड टू दिवर सरोसेस इसी तरह जो हैपाटाइटिस बी भी है इसका भी ग्रेटर uh, uh, मतलब प्रोपोर्शन है ऑफ डेथ लिवर सरोसेस में ये एक तीन बेसिक एटियोलॉजिकल फैक्टर है जो लेवर सिरोसिस में इन्वाल्व है एंड दे कैन काज पर्सन डेथ और अगर इस लेवर सिरोसिस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें मतलब मॉरबेडिटी और मॉर्टेलिटी की बात अगर की जाए तो ये एक एक इतना सीवियर इन्फ्लेमेशन इसमें होती है कि इसमें और कॉम्प्लिकेशन बॉडी में जनरेट हो जाते हैं इसी लेवर सरोसिस से तो फिर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो सिक्स मंथ से लेकर टू ईयर तक हो जाता है और वो भी कम्प्लिकेशन पर डिपेंड करता है अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन एक लेवर सरोसिस से सफ़र हो रहा है और उसकी फिर कम्प्लिकेशन पर डिपेंड करते हैं कि कितने कम्प्लिकेशन से वो सफ़र हो रहा है तो इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो एक इस्टीमेट के मुताबिक सिक्स मंथ से लेकर टू ईयर के दरमियान होती है दिस इज बैकग्राउंड नॉलेज फॉर द बेसिक पैथोजेनेसिस वेरी सिंपल डेट अगर एक नॉक्शियस स्टमोलाई आ जाए और वो हेपेटोसाइट की इंजरी करे और ये इंजरी इरिवर्सिबल हो तो हेपेटोसाइट की डेथ कास हो सकती है इसी तरह अगर हमें पता है जू ही एक सेल इंजर्ड हो जाता है तो सेल से मुख्तफ किस्म के साइटोक रिलीज होते हैं सेम यहाँ पर जो हमारे साथ आ, स्पेस ऑफ देशी होता है मीन साइनोसाइडल स्पेसिस होते हैं वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं, हेपेटोसाइट स्टेलाइट सेल हेपेटोसाइट स्टेलाइट सेल से टीएनएफ इंटुलिन वन और लम्फोटॉक्जेंसी क्रिएट होते हैं जिसके ज़रिए ये हपटोसाइड स्टेराइट सेल मायोफेब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वही मायोफेब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है वो बेसिकली इस इसवर जो हमारे पास लोब्यूल्स होते हैं जहाँ पर हैपेटोसाइड डेथ होते हैं तो उसी जगह पर वो स्कार करा देते हैं तो वो स्कार बेसिकली आ, कोलेजन वन थ्री इसी तरह एलास्टिन और मुख्तफ़ किस्म के ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ पर डिपॉज हो जाते हैं ये बेसिकली वो रिप्लेसमेंट है जो बाद में हमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मॉर्फोलॉजी में इसके हम देखते हैं जो हमें एक फेब्रस बैंड नज़र आ रहा होता है तो वो बेसिकली दिस थिंग माओफेब्रोब्लास्ट विच डिपॉजिट कोलेजन वन थ्री uh, इसी तरह एलास्टिन एंड अदर ग्राउंड सब्सटेंसेस यही जो हेपेटोसाइट स्टेम सेल होता है ये ख़ुद जब एक्साइट हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है तो ये सराउंडिंग हेपेटोसाइट को भी एक्टिवेट कर देता है तो वो हेपेटोसाइट में उसमें हमें पता है कि लिवर में बहुत रिजनरेशन की कैपेबिलिटी है तो जो हेपेटोसाइट वो आ, स, आ, मतलब सर्वाइव कर जाते हैं तो उसमें सिवियर रिजनरेशन हो जाती है एक्सिस रिजनरेशन हो जाती है एक्सिस हैपरप्लीजिया अकर हो जाता है तो उसकी वजह से फिर हमें मॉर्फोलॉजिकल प्रेजेंटेशन में हमें इसकी एक नोडूल्स अपेयरेंस मिलता है पेरनकैमल नोड्यूल्स होते हैं बेसिकली वही पेरनकैमल नोड्यूल्स जो होते हैं ये वो एक्सिस रिजनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट के रिजल्ट में होता है और यहाँ पर एक नोट लिखा गया है कि हेपेटोसाइट स्टीलाइट सेल जो होते हैं वो नॉर्मली विटामिन ए और फैट की स्टोरेशन कराते हैं जब ये मायोफेब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे तो वही विटामिन ए की स्टोरेज डिप्लीट होगा इसी तरह फैट की स्टोरेज डिप्लीट होगा इसी तरह जो हमारे पास बी ट्वेल्व के स्टोरेज है वो डिप्लीट होगा तो इसके हम आगे पढ़ेंगे जो कॉम्प्लीकेशन है फिर उसकी वजह से क्रिएट हो जाते हैं इस लेवर की, आ, जो हमारे पास जो हमारे बेसिक पैथोजे है इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिवर है ये बॉडी का मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है मेन मेटाबॉलिज्म यहाँ पर होती है इसी तरह मेटाबॉलिज्म के अलावा इसके और भी फंक्शन है फॉर एग्जांपल ये सिक्रीशन करा देता है मुख्तफ किस्म के इसी तरह मुख्तफ़ किस्म के प्रोटीन जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस करता है इसी तरह मख्त जो आलरेडी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि विटामिन ए फेट बी ट्वेल्व इसकी स्टोरेज करा देता है इसी तरह जो मख्त किस्म के ड्रग है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये भी लेवर सिरोसिस में अफेक्ट हो जाते हैं ये लेवर सिरोसिस में इसकी एनाटामिकल्टल और साथ साथ में फिजोलॉजिकल डेमेज हो जाती है और जो फिर हम इसमें कम्प्लिकेशन हमें नज़र आते हैं वो बेसिकली इसी एनाटॉमिकल और फ़िज़ोलॉजिकल डिप्रीशन की वजह से तो जो और इसी तरह जो हमारे साथ लिवर को सप्लाई हुई है ब्लड सप्लाई तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो ब्लड सप्लाई इसका है ये सेवेंटी परसेंट उसको पोर्टल वेन ने सप्लाई किया है इसी तरह जो आ, थर्टी परसेंट सप्लाई है वो हेपेटिक आर्टरी से है। ठीक है तो जो अब आपको इसकी मॉर्फोलॉजी और पैथोजेनिस से पहले आपको इसका ये याद रखना चाहिए कि लोब्यूल्स इसमें होते हैं जो फिफ्टी थाउजेंड से लेकर वन लेग तक इसमें लोब्यूल होते हैं और हर लोब्यूल एक हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है और साथ साथ में जो हमारे साथ, साथ इसमें कॉलम्स होते हैं हेपेटोसाइट के जब दो कॉलम हेपेटोसाइट के बन जाते हैं तो इस इस दो कॉलम के दरमियान बाइल फ्लो करती है और ये दो कॉलम जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक प्लेट बना देती है इसी लोब्यूल में अब दो प्लेटों के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम स्पेस ऑफ देशी कहते हैं और वहीं साइनोसाइडल स्पेस होता है और वहाँ पर बेसिकली हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन वहाँ पर ड्रेन होता है तो ये जो साइनोसाइडल स्पेस होता है ये कैपेलरी एंडोतीलीम सेल से सराउंड हुआ होता है और इसी एंडोतीलीम के दरमियान कफर सेल्स होते हैं जो एक एजाफेगोसाइटिक सेल काम करते हैं इसी तरह जो स्पेस अवदेशी होता है इसमें बेसिकली हेपेटोसाइट स्टिलेट सेल होते हैं और वही हेपेटोसाइट स्टिलेट सेल जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो माए में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वहीं जो हमने हमनेजेनिस डिस्कस की कि इसमें फिर वो कोलेजन वन थ्री एलास्टिन और मुख्तफ़ किस्म की ग्राउंड सब्सटेंसेस की डिपोजिशन करा के वहाँ पर एक स्कार इिवर्सबल स्कार बना देती है तो चले आप इस डायग्राम की तरफ देखें ये एक पैथोजेस का डायग्राम है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेल्थी लिवर होता है और वो किसी नॉक्शस टमोलाई की वजह से उसमें डैमेज आ जाती है इंजरी आकर होती है और फॉर एग्जांपल अगर ये एक फैटी चेंज इसमें आ जाए अब जब फैटी चेंज आती है उसको हम कहते हैं स्टेटोटस अब अगर ये फैटी चेंज सीवियर होगा ये हेपेटोसाइट की इंजरी भी करा सकती है उस कंडीशन में जब एक्सिस फैटी चेंज की वजह से अगर हेपेटोसाइट की इंजरी होती है तो उसको हम एक्टरम यूज़ करते हैं स्टेटो हेपेटाइटिस अब जब स्टेटो हेपेटाइटिस कंडीशन क्रिएट होता है तो हेपेटोसाइट की डेथ होती है और साथ साथ में हेपेटोसाइट सेल एक्टिवेट होते हैं तो जहाँ पर हैपेटोसाइड सेल की डेथ होती हैं वहाँ पर हैपेटोसाइड स्टिलेट सेल इस कोलेजन एलास्टिन और साथ साथ में ग्राउंड सब्सटेंसेस की डिपोजिशन करा देती है तो वहाँ पर एक परमानेंट इरिवर्सिबल स्कार बन जाता है डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो फेटी चेंज अगर हुआ और इसकी इंजरी की वजह से जब हेपेटोसाइट सेल की डेथ हुई तो वही हेपेटोसाइट को एक स्कार ने रिप्लेस किया तो ये स्कार बेसिकली कहाँ से आया ये वही जो हेपेटोसाइट स्टेलैट सेल जो हमारे पास स्पेस अवदेशी में था वो मायोफेब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हुआ और फिर वही मायोफेब्रोब्लास्ट ने मुख्तफ किस्म की डिपोजिशन करा के वहाँ पर स्कार बना दिया तो अब अगर लिवर में लेवर में एक्सिस स्कार फॉर्मेशन हो मतलब 80 परसेंट से ज़्यादा स्कार फॉर्मेशन हो तो इसी स्कारिंग को इसी फेब्रोसिस को हम फिर एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सरोसिस और ये सरोसिस अगर लॉन्ग कंडीशन के लिए हो तो एक ऐसा कंडीशन भी क्रिएट हो सकता है कि लेवर सेल कार्सिनोमा भी अगर हो सकता है ये इसकी कम्प्लिकेशन में आ सकते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे अब आते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ बेसिकली जब हम बायोप्सी में देखते हैं तो जो हेस्ट्रोलॉजिकल तो फ़ीचर इसके हैं तो दो किस्म के नोड्यूल्स नज़र आते हैं एक होता है माइक्रो न्यूड्यूलर और दूसरा होता है मैक्रो न्यूड्यूलर जो माइक्रो नोड्यूलर होता है नेम से जाहर के, जाहर है कि इसमें स्मॉल नूड्यूल्स होते हैं मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हेपेटोसाइट रीजनरेट हो जाते हैं तो वो एक स्मॉल नोड्यूल पेरमकैमल नोड्यूल बना देता है और स्मॉल uh, पोर्शन का हेपेटोसाइट सेल एक्टिवेट होके एक तीन फेब्रस सेप्टा बना देती है स्कारिंग का और यही नोड्यूलर का जो डायमीटर होता है वो थ्री मिलीमीटर से कम होता है या तो थ्री मिलीमीटर होता है या इससे कम होता है तो जो थ्री मिलीमीटर तक जो पेरनकामन नोड्यूल्स हमें नज़र आएंगे जो एक फेबरस तीन फेबरस सेप्टा से सराउंड हुए होते हैं तो उसको हम कहते हैं नोड्यूलर इसका कास क्या है ऑफ़न ये अल्कोहल डैमेज की वजह से हो जाता है जो अल्कोहलिजम की वजह से लिवर सिरो से जनरेट होता है तो इसमें बेसिकली हमें माइक्रोनोडलर नज़र आते हैं अब दूसरे नंबर पर है मैक्रोनोडलर जो माइक्रोनोडलर है उसकी डायमीटर थ्री मिलीमीटर से अबव होता है और यही जो लार्ज पेरन कैमन नोड्यूल यहाँ पर बनता है तो इससे जो सराउंडिंग सेप्टा बनेगा स्कारिंग का तो वो भी वाइड होगा मीन इसका वाइड सेप्टा बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सिस रिजनरेशन हुई है और साथ साथ में स्कारिंग भी ज़्यादा हुई है तो यहाँ पर जो स्कारिंग बनेगा और रिजनरेशन हुई है तो इसका एक माइक्रोनोड्यूलर अपेरेंस होता है बेसिकली इसका जो काज है मेन ये हेपेटाइटिस है फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी एंड सी की वजह से जो लिवर सिरोसिस क्रिएट होता है उसमें जो मार्फोलॉजिकल फीचर देखे हमें नज़र आएगा वो एक मैक्रोनोडलर होगा इसी तरह जो, जो मैक्स नोड्यूलर होता है तो ये बेसिकली इसमें नोड्यूलर भी होते हैं और मैक्रोनोडलर भी होते हैं और इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट को लेवर सिरोसिस हुआ है अल्कोहलिज़म की वजह से और वही अल्कोहलिज्म पेशेंट uh, को एक हेपेटाइटिस बी आर सी इन्फेक्शन सुपर इम्फोज हो जाए तो वहाँ पर अब मैक्रोनोडलर भी बनेंगे तो इस पेशेंट के जो हेस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं उसमें आपको बहुत मैक्रोनोडलर एंड माइक्रोनोड मिलेंगे उसी को हम कहते हैं मिक्स्ड नोड्यूलर एंड दीज आर फीचर्स कैन लीड टू दिवर्स रोसिस एंड में आप देख लें कि सराउंडिंग सिप्टा इस तिन मे कन्वर्ट टू वाइडन ड्यूरिंग द कोलेक्सिंग ऑफ नोड्यूल एट एक्टिव स्टेट इट कैन एम एन एल जो हमारे साथ माइक्रो नोड्यूलर होता है तो वो माइक्रो नोडुलर में भी कन्वर्ट हो, हो सकता है और इसके जो तिन सिप्टा होता है वो वाइड बन जाता है और इसमें एक पॉइंट लिखा लिखा गया है ये बहुत अहम है कि जो हमारे पास मोनो न्यूक्लियर लिम्फोसाइड होते हैं बेसिकली इसी आ, मतलब नोड्यूल्स में हमें मिलेंगे अब जब ये स्कारिंग होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को अगर आप देख लें तो ए चिकन वायर फेंस की तरह होता है मतलब ये सेंट्रल वेन से स्टार्ट होके पोर्टल वेन तक आती है जो सेंट्रल वेन का एरिया होता है और इसके दर इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो पेरन होता है लेवर का उसको हम कहते हैं जोन वन ये ये सेंट्रलर रीजन में होता है अब जब जोन वन के बाद जो पेरन होता है सराउंडिंग में वो जोन टू कहलाता है इसी तरह जो लास्ट में पेरेफ्री में होता है जो पोर्टल ट्रेड के नियर होता है वो जोन थ्री कहलाता है तो यहाँ पर जो हमें स्कारिंग नज़र आती है जो सिरोसिस नजर आती है तो इसकी जो स्प्रेडिंग पैटर्न है वो सेंट्रल वेन से स्टार्ट होकर पोर्टल वेन, पोर्टल ट्रेड तक इसी तरह दो पोर्टल ट्रेड मतलब जो दो लोब्यूज होते हैं इसके दरमियान जो पोर्टल ट्रेड होता है उसको भी ये कंबाइन कर देता है यूनिट कर देता है तो इसी तरह ये सारे सेंट्रल वेंस को पोर्टल ट्रेड को ये कंबाइन कर देते हैं और एक चिकन वायर फेंस पैटर्न बन जाता है आप इसको बाद में ज़रा सर्च कर ले आपको क्लियर इमेज मिल जाएगा तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा ये बेसिकली एक जाल सा होता है उसी को हम कहते हैं चिकन वायर फेंस पैटर्न और यहाँ पर आप देख लें कि स्कारिंग जो होती है हेपेटोसाइट में फ्राम हेपेटोसाइट चेन विद द स्पेस ऑफ देशी एं, एंड एंड विद दुलर मतलब यही सेंट्रल वेंस से स्टार्ट होके ये पोर्टल ट्रेड तक इसकी ये जो पैटर्न है ये बेसिकली ओवरऑल एकटोलॉजिकल पेटोजेस्ट यहाँ पर डिस्कस हुई है आप देख लें कि हेपेटोसाइट की मुख्तलिफ किस्म की एटोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पर डिस्कस हुई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एच बी वी एच सी वी इन्फेक्शन काज हो जाए इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के पेरसाइट्स अटो इसी तरह अल्कोहल क्रेप्टोजेनिक मीन काज इसी तरह ड्रग टॉक्सिन, इसी तरह नान अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ तो ये सारे मुख्तफ़ किस्म की इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हैपेटोसाइट की डैमेज कर सकते हैं अब जब हेपटोसाइट की डैमेज होगी तो ये हेपेटोसाइट के सराउंडिंग जो हैपेटोसाइड होते हैं वो रिजनरेट कर जाते हैं फॉर दम्पनसेशन फॉर दी कम्पनसेशन साथ में जो हमारे पास स्पेस आवदेशी होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की साटोकाइन के जरिए एक्टिवेट हो जाता है और इसकी जो एक्टिवेटेड फार्म है उसको हम कहते हैं मायोफेब्रोब्लास्ट तो यही मायोफेब्रोब्लास्ट यहाँ पर जो एरिया आ, में हेपटोसाइड की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर ये स्कारिंग कर देता है और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्कारिंग में हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उसमें कोलेजन होता है एलास्टिन होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है प्रोटियोग्लाइके होता है और हाइलोरिक एसिड होता है और यही जो एंटायर लिवर को इन्वॉल्व कर जाए तो उसको हम कहते हैं सरोसिस अब हम वन बाई वन इसकी एटोलॉजिकल फैक्टर पढ़ेंगे कि ये एटोलॉजिकल फैक्टर किस मेनिज़म के ज़रिए किस तरह लेवर सिरोसिस काज कर सकते हैं फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है अल्कोहलिक सिरोसिस। इस अल्कोहलिक सिरोसिस को हम लेनिक सिरोसिस भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था और फर्स्ट जिसने एक माइक्रोनोडर पैटर्न का लिवर सरोसिस जिसने देखा था वो बेसिकली अल्कोहलिज्म की वजह से हुआ था तो वो इसी के नाम से ये रिलेटेड है लिनक सरोसिस इसी तरह उसको हम हॉबनेल सरोसिस भी कहते हैं क्योंकि हॉबनेल मीन शॉर्ट नेल विद अ ब्रॉड हेड क्योंकि यहाँ पर जो नोड्यूल्स होते हैं वो थ्री मिलीमीटर से कम होते हैं और लार्ज सेप्टा ये सराउंड कर देते हैं उसको तो बेसिकली उसको हम होबनल सरोसिस भी कहते हैं जो अल्कोहलिक सरोसेस है ये मोस्ट कामन है मोस्ट कामन सरोसेज जो हमारे पास है वो अल्कोहलिक सरोसेज है क्योंकि 60 टू 70 परसेंट जो सरोस होता है वो अल्कोहलिज्म की वजह से कास हो जाता है और जो हमारे पास हम जब अटोपसी करते हैं आप याद ये दो वर्ड्स हैं एक होता है अटोपसी एक होता है बायोप्सी जो पोस्टमार्टम स्टडी करते हैं हम एक टिशू लेके एक डेथ टिशू की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं अटोपसी अट और जब हम लेविंग टिशू की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोप्सी तो जो अटोपसी का रिकार्ड है पोस्टमार्टम में तो जो सिरोसिस कंडीशन होते हैं तो उसमें टेन टू फिफ्टीन परसेंट वहाँ पर अल्कोहलिक आ, मिलता है अब हम आते हैं अल्कोहल कैसे सिरोसिस कास कर सकता है इसका पैथोजेनेसिस तो अल्कोहल डायरेक्टली हेपेटोसाइट की डैमेज कर देता है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कर देता है क्योंकि अल्कोहल बेसिकली एनएडीएच की आ, मतलब एन NAD से एन की कन्वर्जन को इंक्रीज करा देता है जिसकी वजह से एन की कंसंट्रेशन वहाँ पर लेवर में इंक्रीज हो जाती है और एन का काम ये है कि ये जो हमारे पास इसी टाइल को ए बनता है साइकिल में तो उसको ये फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है अब यहाँ पर आप ये पॉइंट याद रखें कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था और क्रिप साइकिल था तो वहाँ पर जो इस्टाइल को ए बन जाता था और जा तो वो फिर क्रिप साइकिल में और इसी तरह फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और वहाँ पर फिर इनर्जी बनती थी अब आप देख लें कि अगर आप फर्ज करें हमारे पास जो इस्टाइल को ए बनेगा और वो क्रिप साइकिल में नहीं जाएगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं जाएगा तो जो हमारे पास मतलब इनर्जी के सोर्स हैं उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी रिडक्शन नहीं होगी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इसी तरह ए टी पी नहीं मिलेगी तो एक तो इसका ये है कि अल्कोहल की वजह से हेपेटोसाइट में ए टी पी की डिप्लीशन आ जाती है तो जब ए टी पी की डिप्लीशन आएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज होगा और हेपेटोसाइट की आ, मतलब नेक्रोसिस भी होगी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होगी तो अब यहाँ पर देख लें कि जब एन की इंक्रीज होगी तो वो इस को को फैटी एसेड में कन्वर्ट करेगा और जो पिछले स्लाइड में हमने कहा कि स्टेटोटस और स्टेटोहेपटाइटस वो बेसिकली यहाँ पर हम अब डिस्कस करेंगे कि जो एसीटायल को है वो को ए है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो जब हमारे पास अल्कोहल की वजह से एक्सेस एन बनेगा तो सेम एक्सिस एसिड की अकामोलेशन होगी जब एक्सिस एसिड की अकामोलेशन होगी फैटी चेंज आएगा तो उसको हम कहते हैं स्टेटोटस और जब ये चेंज इतना इंक्रीज कर जाए कि ये हेपेटोसाइट की डैमेज कर 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 देते हैं हेपेटोसाइट में इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं तो फिर हम इसको एक टर्मिनजी यूज़ करते हैं कि इसको हम कहते हैं कि मींस मीन्स की हेपेटोसाइट की इन्फ्लेमेशन काज हुई ड्यू टू द फैटी चेंज इसी तरह ये साथ साथ में एच डी एल और एल डी एल की सेंथिस भी डिक्रीज कर देती हैं क्योंकि जब हेपेटोसाइट की डैमेज होगी तो वहाँ पर प्रो इसकी सेंथिस का जो करस्टरिस्टिक है जो फंक्शन है वो भी डिप्राइव हो जाएगा जिसकी वजह से जो हमारे पास एच डी एल है एल डी एल है उसकी भी सेंथिस में डिक्रीज आएगी तो ऑलरेडी हमें पता है कि एच डी एल और एल डी एल ये एक ऐसे लेपोप्रोटीन है जो मतलब लिवर से टिशू की तरफ लेवर से की तरफ और टिशू से लेवर की तरफ फैटी एसड की और इसी तरह कालोमाक्रॉन्स की और जो मख्त किस्म के हैं हैंपर्स हैं उसकी ट्रांसपोर्ट कर देती हैं तो अब जब एच डी एल और एल डी एल की सेंतीसिस में डिक्रीज़ होगी तो जो हेपेटोसाइट में हमारे पास फैटी एसिड है वो टू पैराफ्रल टिशू ट्रांसपोर्ट नहीं होगे तो जब पैराफ्रल टिशू ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो वो यहाँ पर हेपेटोसाइट में एकामोलेट होके वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कास्ट करेंगे इसी तरह ये एक दो मेकेज़म हुए एक तो डायरेक्टली डैमेज ड्यू टू एटीपी डिप्लीशन दूसरा कि हाई एनएडीएच की कन्वर्जन ड्यू टू द फैटी एसिड अकमोलेशन थर्ड नंबर एचडीएल एंड एलडीएल की डिक्रीज सिंथेसिस एज ए रिज़ल्ट हाई फैटी एसिड एकामोलेशन द फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो अल्कोहल है इसका मेटाबोलाइट जो बनता है बॉडी में ये एसिड अल्टीहाइड है और ये एसिड अल्टीहाइड जो है ये अल्कोहल से भी ज़्यादा डेंजर होता है बॉडी के लिए डेंजर होता है बॉडी के लिए मतलब मोर पैथोजेनिक होता है क्योंकि एसिड अल्टीहाइड जो है ये लिपिड की परोक्सीडेशन कर देता है फ्री रेडिकल बना देती है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बना देती हैं और वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं दूसरे नंबर पर हमारे साथ है नान अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ नान अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ में हमारे पास डायबिटी मलाइटिस आता है ओबीसीटी, बी ये बेसिकली फैटी लिवर डिजीज़ होते हैं जो स्टेटोहैपटाइटिस काज कर सकता है इसका भी यही है कि जो डायबिटी मलाइटस होता है उसमें इंसुलिन या तो बनता नहीं है या उसको रेजिस्टेंस शो हो होता है एज इन द कंडीशन ऑफ टाइप टू तो जो इंसुलिन को रेजिस्टेंस होगा तो इंसुलिन प्लाज्मा में इंक्रीज होगा इसी तरह सेम हाइपरग्लेसिन होगा तो इन दोनों की वजह से फैटी एसिड हमारे पास टिश्यू को नहीं मिलेंगे तो जब फैटी एसिड टिश्यू को नहीं मिलेंगे ए, ए, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वहाँ पर डीनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड होगा तो जब फैटी एसिड की फैटी एसिड की प्रोडक्शन वहाँ पर न्यू सिंथेसिस की होगी तो वो ज़्यादा लिवर को ट्रांसपोर्ट होगा और जब लिवर को ट्रांसपोर्ट होगा उसी कंडीशन में तो वहाँ पर लिवर की फैटी एसिड की हो जाती है लिवर में और वो फिर स्टेटोहेपटाइटिस कर सकते हैं इसी तरह जो हाई फैटी एसिड की अकोमोलेशन हो जाती है तो इसके ज़रिए फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनते हैं और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी भी जो सेल मेम्ब्रेन को अनस्टेबल बना देती है तो ये बेसिकली थ्री थ्री प्रोसेस हैं जिसकी वजह से स्टेटो हेपेटाइटिस का हो सकती हैं और इसके मेन जो डिज़ीज़ हैं वो हमारे पास डायबिटी मिलाइटिस होती हैं ओबीसीटी और डेस्लिपडीमिया डेस्लिपिडीमिया मीन जो हमारे पास या तो एच डी की फंक्शन में डिस्टर्पन आ जाती है अब द थर्ड वन इज़ पोस्ट नेक्रोसिस सरोसिस मीन्स uh, डेट यहाँ पर अगर लेवर में वायरल इन्फेक्शन काज हो जाए हेपाटाइटिस बी एंड सी मोस्टली इसमें इन्वॉल्व है तो जो हमने अल्कोहल में पढ़ा था जो अल्कोहल सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट सिरोसिस काज कर सकता है इसके अल्कोहल के बाद जो दूसरा मेन फैक्टर है वो है वायरल हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस बी और सी इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व है तो 25 परसेंट जो सिरोसिस होता है इसमें हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस इन्वॉल्व हो जाता है और वायरल हेपेटाइटिस की भी आ, यही मेकेनज़म है कि जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो ये एक्सेस इन्फ्लेमेशन करा देती हैं जिसकी वजह से मुख्तफ़ किस्म के साइटोक रिलीज़ हो जाते हैं और वो साइटोक जो है हेपेटोसाइट सेल को स्टेलाइट सेल को एक्टिवेट करके वहाँ पर स्कारिंग हो जाती हैं थर्ड नंबर पर है केमिकल हैपेटोटॉक्सिन, जो मुख्तफ़ किस्म के, के केमिकल इस तरह केमिकल्स होते हैं जो हैपेटोसाइट के लिए डैमेज काज कर सकते हैं हैपेटोसाइट की तो उसमें हमारे पास है आ, कार्बन टेट्राक्लोराइड एसेटामोफिन जो पेनाडोल के नाम से इसी तरह मशरूम पॉइजनिंग और अल्फामीताइल डोपा ये ऐसे केमिकल्स हैं जो लेवर में लार्ज स्केल पर निक्रोसिस कर सकते हैं कास कर सकते हैं और उसी निक्रोसिस के रिजल्ट में हपटोसाइड्स रिलेड सेल वो कंपनसेट करके स्कारिंग बना देती है और साथ साथ में जो हमारे पास आप ये बात याद रख ले कि लिवर में नोडुल्स में हमारे पास स्टेम सेल्स भी होते हैं वो तो इसी क्रॉनिक कंडीशन में एक्टिवेट हो के वो हैपेटोसाइड की रिजनरेशन करा देती हैं तो वहाँ पर फिर वो क्याल नोड्यूल्स बनते हैं थर्ड नंबर पर है बाइलरी सिरोसिस जो हमारे पास बाइल की फ़्लो में डिस्टर्बशन आ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दो किस्म के होते हैं एक प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस और दूसरा होता है सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस ये या तो एंट्रापेटिक बाइल की फ़्लो में डिस्टर्बशन आ जाती है और या तो हेपेटोसाइट से बाहर आ जाती है मतलब या तो बाइल डक्स में आ जाती है और या जहाँ पर बाइल बनती हैं बाइल के नकलए में वहाँ पर अगर प्रॉब्लम आ जाए तो बाइल फ़्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो जब बाइल फ़्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो बाइल की फ्लो नहीं होगी तो ऑलरेडी हमें पता है जो बाइल में हमारे पास कोलेस्ट्रोल होता है और इसी तरह बाइल साल्ट होता है सेम बेल होता है तो वहाँ पर स्पेस ऑफ देशी में और सेम हेपेटोसाइट में और जो हमारे पास टू कॉलम्स के दरमियान जो बाइल के निकले है वहाँ पर बेल की कोलेस्ट्रोल की और सेम इन चीज़ों की ऑब्स्ट्रक्शन होगी अकामोलेशन होगी और दे कैन कास डैमेज ऑफ हेपेटोसाइट एंड आल्सो स्पेस ऑफ देशी एंड यहाँ पर स्पेस ऑफ देशी में भी स्कारिंग हो जाती है जिसकी वजह से फिर पोर्टल हाइपरटेंशन क्रिएट होते हैं अब हमारे पास है पिगमेंटेड सिरोसिस ये आ, हम उसको मेटाबॉलिक सिरोसिस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो डिजीज़ इनवॉल्व है वो बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास हीमोक्रोमाटोसिस है हीमोक्रोमाटोसिस मींस आयरन की एक्सिस अकमोलेशन ड्यू टू विच अ टिश्यू कैन बी डैमेज जो हमारे पास आयरन की एकुलेशन हो जाती है और आयरन की इतना एक्सेस एकुलेशन हो कि वो टिश्यू को डैमेज करे उसको हम हीमोक्रोमाटोसिस कहते हैं और ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है आम तौर पर जो हमारे पास आयरन की जो एबज़ॉर्पन है वो वेल रेगुलेटेड है क्योंकि हमारे पास हेप्सिडिन होता है और वो हेप्सिडिन बेसिकली इसकी एबज़ॉर्पन को इनहेबिट कर देता है लेकिन फॉर एग्जांपल अब अगर इसकी हेप्सिडेंट की लेवल में डिक्रीज आएगी तो लेवर आ, 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 इसी तरह जी जो हमारे पास होता है वो आयरन की एक्सिस एब्जॉर्पन कराएगा जब आयरन की एक्सिस एब्जॉर्पन होगी तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि आयरन की जिस तरह एब्जॉर्प्शन टाइटली रेगुलेटेड है तो सेम यहाँ पर जो इसका इसक्रिशन है वो बहुत रेयर मतलब रेयर अमाउंट में इसकी एक्सक्रीशन होती है तो जब आ, इसकी एब्जॉर्पन में डि, डिस्टर्पन आएगी हेपसडीन की डिक्रीज की वजह से तो हमारे पास बॉडी में आयरन एक्सेस एकामोलेशन होगी और इसकी तो एक्सक्रीशन इस तरह एस सच है ही नहीं तो वो टिश्यू में एकामोलेशन इसकी हो जाती हैं तो जब हेपेटोसाइट में भी इसकी अकोलेशन होगी तो इसकी वजह से मेन ऑक्सीडेशन काज हो सकती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बन सकते हैं आ, जो फिर हेपेटोसाइट की डैमेज कर देते हैं यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा गया है कि जो ब्रॉन्स डायबिटी ब्रॉन्ज डायबिटी का मतलब यही है कि जो अगर लेवर के साथ साथ फॉर एग्जांपल इसी हीमोक्रोमाटोसिस में पेंक्रियाज में भी आयरन की एक्सेस एकमोलेशन होगी तो जब पेंक्रियाज में आयरन की एक्सेस एकमोलेशन होगी उस कंडीशन में अगर बीटा सेल डैमेज हो जाए तो फिर वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगी जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगी तो एक हाइपरग्लाइसिमिक कंडीशन क्रिएट होगा एक डायबिटिक कंडीशन क्रिएट होगा और उसी कंडीशन में जो डायबिटिक कंडीशन क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज डायबिटी सेकंड uh, नंबर पर हमारे पास है सिरोसिस इन वेल्सन डिजीज़ इस वेल्सन डिजीज़ में कॉपर की मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बन uh, आ जाती है और इसकी वजह से एक्सिस कामोलेशन हो जाती है लिवर में और वो फिर लेवर की डैमेज करके वो आ, मतलब लार्ज स्केल पर स्कारिंग हो जाती है जो एंड स्टेज में लिवर सिरोसिस को कन्वर्ट हो जाता है साथ साथ में जो वेल्सन डिजीज़ है ये बाइलेट्रल बेजल गंग्लेन की डिजनरेशन भी काज कर सकता है और जो इसको हम आ, आ, फील कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल तो जो हमारे पास कॉर्निया के पेरेफरी रीजन में अगर आप वेल्सन डिजीज़ के पेशेंट को देख लें तो वहाँ पर आपको एक ग्रीनिश राउंड पिगमेंट नजर आएगा कॉर्निया के पेरेफ्री में ग्रीनिश राउंड पिगमेंट नज़र आएगा उसको हम कहते हैं कैसर फ्लेशर रिंग वो बेसिकली कॉपर की अकमोलेशन की वजह से होती हैं वहाँ पर कॉपर अकमोलेट हो जाता है उस कॉर्निया के पेरेफ्री में और वो एक ग्राउनिश राउंड पिगमेंट होता है उसको हम कहते हैं कैसर फ्लेशर रिंग दैन कार्डिक्ररोसिस कार्डिक्ररोसिस इससे पहले आप को ये पता होना चाहिए जो हमारे पास लेवर uh, को सप्लाई है वो पोर्टल वेन से सेवेंटी परसेंट इसी तरह थर्टी परसेंट हैपेटिक आर्टरी से ये दोनों स्पेस अवदेशी में साइनोसाइडल केपली में ड्रेन हो जाते हैं फिर वहाँ पर एक सेंट्रल वन और सेंट्रल वेन, से वेन, वेन से फिर एंट्रोलोब्यूलर वेन और एंट्रोलोब्यूलर वेन से फिर हैपेटिक वेन और यही हैपेटिक वेन जो है ये आ, वेना केवा में ड्रेन हो जाता है और वो फिर राइट आ, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल में ड्रेन हो जाता है तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट को राइट हर्ट फेलिवर हो फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डिक पलमोनेल हो या ट्राइकस्पिट इन्सफिशेंसी हो तो उसकी वजह से राइट वेंटिकुलर में सॉरी राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा जब राइट right वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा तो बेक प्रेशर क्रिएट होगा इन्फीरियर वेना केवा में सेम पोर्टल वेन में तो जब इन्फीरियर वेना केवा में प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से पोर्टल वेन में प्रेशर क्रिएट होगा जब पोर्टल वेन में प्रेशर क्रिएट होगा तो वहाँ पर ब्लड की स्टेसिस होगी स्पेस ऑफ देशी में ब्लड की स्टेसिस होगी जिसकी वजह से क्लाटिंग की चांसेस हो सकती हैं और सेम मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स जो साइटोक रिलीज हो सकते हैं आ, तो उसके ज़रिए फिर हेपेटोसाइड स्टेलैट सेल एक्टिवेट हो जाता है और वह वहाँ पर एक इिवर्सबल स्कार बना कर बना देती हैं और साथ साथ में पोटल वेन की प्रेशर की वजह से एक मैकेनिकल डेमेज मिलती है हेपेटोसाइड है को हेपटोसाइड की मैकेनिकल डैमेज हो जाती है पोर्टल वेन में प्रेशर जनरेशन की वजह से तो उसकी वजह से हेपटोसाइड की डिजनरेशन काज हो जाती है डैमेज काज हो जाती है और जब ये एक प्रोलॉन्ग कंडीशन के लिए ये पोर्टल हैपटेशन क्रिएट होगा सो देन दे कैन लीड टू द लिवर सिरोसिस अब देन है हमारे पास एंटी ट्रेपसिन डिफिशेंसी एंट, एंटी जो बेसिकली हमारे पास ये ये एक ऐसा एक प्रोटीन है जो बॉडी में बेसिकली ए, एक बैलेंस लेवल पर होता है इसका काम ये होता है कि ये जो हमारे पास मुख्त किस्म की इन्फेक्शन काज़िटिव एजेंट होते हैं और उसमें जो एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली ये एंटीट्रिप्सिन उसी एबनॉर्मल प्रोटीन की डिग्रेडेशन कर दी कर देती है जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स की जो पेरन कमा होता है वो सेव होता है अब अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एंटी ट्रिप्सिन होता है वो उसी एबनॉर्मल प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं तो हमारे पास एंटी ट्रिप्सिन की डिफ़ेंसी आ जाती है जब एंटी ट्रेप्सिन की डिफिशेंसी होगी तो अब हमारे पास जो एबनॉर्मल प्रोटीन हो उसको रिमूव करने के लिए एंटी ट्रप्सिन नहीं होगा जब एंटी ट्रेप्सिन नहीं होगा तो वही एबनॉर्मल प्रोटीन हमारे पास हेपेटोसाइट में एपोप्टोसिस कर देती है तो जब एपोप्टोसिस होगी तो हमारे पास एक्सिस एपोप्टोसिस की वजह से वहाँ पर हैपेटोसाइट स्लेट सेल वो कोलेजन की डिपॉजिट करके स्कारिंग कर देती है और जब ये स्कारिंग एट लार्ज स्केल होगा तो हमारे पास आ, सिरोटिक कंडीशन क्रिएट होगा और इसमें एक, एक दूसरा नोट लिखा गया है कि जो एंटी ट्रेप्सिन डिफिशेंसी होती है वो एम्फाइसीमा में भी सेम वो क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एम्फाइसीमा कंडीशन क्रिएट होता है ये एंटी ट्रेप्सिन डिफिशेंसी आल्सो कोजिटिव एजेंट ऑफ एम्फाइसीमा लास्ट में हमारे पास है ऑटो अम्यून हेपेटाइटिस मुख्तलिफ किस्म की अटो अम्यून डिज़ीज़ की वजह से भी लेवर सिरोसिस काज को हो सकती है क्योंकि वहाँ पर अटो अम्यून में हमारे पास अपने एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो एक ऑटो अम्यून कम्प्लेक्स बना देती हैं और वहीं अटो अम्यून कम्पलैक्स जो है वो आ, हमारे पास हेपटोसाइड की डेमेज कर कर देती हैं जिसकी वजह से सरोसिस काज हो सकती है आ, लास्ट में हमारे पास है क्रैप्टोजेनिक तो करैप्टोजनिक मीन अननोन नज की वजह से जो हमारे पास लेवर सिरोसिस क्रिएट हो जाता है आलमोस्ट ये ट्वेंटी परसेंट केसिस में होता है क्रप्टोजेनिक सिरोसिस तो उसको हम कहते हैं करेप्टोजेनिक सिरोसिस करैप्टोजेनिक सिरोसिस को हम ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आ जाए और आ, ना तो वो अल्कोहल Alcohol, अल्कोहलिज्म वो हो और ना उसकी जो हम ब्लड टेस्ट कर देते हैं तो उसमें एच बी वी एच सी वी पॉजिटिव नहीं हो और उस पेशेंट को लेवर सिरोसिस हो तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि पेशेंट इज सफर फ्रॉम क्रैप्टोजेनिक सिरोसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स जो लेवर सिरोसिस होता है ये आलमोस्ट फोर्टी परसेंट केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होता है अब अगर इसकी अर्ली सिम्टम की बात की जाए तो अर्ली सिम्टम ये नॉन स्पेसिफ़िक होता है फॉर एग्जांपल फटीग होगा वेट लास्ट होगा और इसी तरह मसल क्रेम्प होगा स्लीप डिस्टर्ब होगा जीए ए डिस्टर्बेंस आएगी ये बेसिकली ये अर्ली सिम्टम जो है ये वही आ, आ, अर्ली स्टेज हो जा होता है जिसमें हैपेटोसाइड इन्फ्लेमेशन की स्टेज से गुजर रही होती हैं उस कंडीशन में हेपेटोसाइट की फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर हम ये सिम्टम देख सकते हैं जो लेट्स सिम्टम हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं जो आ, उस कंडीशन में ये लेवर सिरोसिस वो एक लेट स्टेज पर होता है और मुख्तफ़ किस्म के कम्प्लिकेशन वहाँ पर आ जाते हैं जैसे आ, इसका मेन टू काजिटिव एजेंट है जो बेसिकली हेपेटोसलर फेलियर का हो, होता है जो हेपेटोसाइट की डैमेज हो जाती है एक्सिस डैमेज और दूसरे नंबर पर हमारे पास है पोर्टल हाइपरटेंशन जो पोर्टल हाइपरटेंशन इसमें क्रिएट होता है तो ये बेसिकली टू काजेटिव मकेनिज़म हैं जिसकी वजह से फिर और कम्प्लिकेशन और मख्त किस्म के स्पेसिफिक सिम्टम पेशेंट में हो जाते हैं जिसमें हमारे पास है मसल स्ट्रेंथ डैमेन्ज मसल की स्ट्रेंथ डाइमिनिश हो जाती है क्योंकि बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलता प्रोटीन कहाँ से आते हैं प्रोटीन बेसिकली जो मेन जो हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज हैं उसकी जो मेन मेटाबॉलिक आर्गन है वो हमारे पास है लिवर अब जब लिवर में एक्सिस इन्फ्लोमेशन काज होगी तो मुख्तलिफ़ की जो हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज हैं माइक्रोन्यूट्रेंट हैं इसमें जो प्रोटीन भी हमारे पास शामिल है तो वहाँ पर प्रोटीन पूरी तरह डिग्रेड नहीं होगा अमाइनवेसिड नहीं आएंगे वो पैराफ्रिल टिशू की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो पेराफ्रल टिशू में आ, में अमाइनो एसिड की इसी तरह आ, और चीज़ों की आ, जो हमारे पास है उसकी डिक्रीज आएगी जिसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ डैमेज हो जाता है इसी तरह जॉन्डेंस भी क्रिएट होता है जॉन्डन्स इसलिए क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास हैपेटोसाइट में एक ऐसा एंजाइम होता है जो अनकंजुगेटेड बेलरोबेन को कंजुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके बाइल में एक्सक्रीट करा करा देती हैं उस एंजाइम को हम कहते हैं ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज ये ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज अनकंजुगेटेड बिलरोबेन को कंजुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं अब जब हेपेटोसाइट की इन्फ्लेमेशन काज होगी सीवियर एंजरी होगा तो ये इंजाम तो उस कंडीशन में इनएक्टिवेट होगा जब ये इंज़ाम इनएक्टिवेट होगा तो अनकंजुगेटेड तीर बेलरोबेन है ये कंजुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो जानल्स क्रिएट होगा इसी तरह हमारे पास है एसाइट एसाइट कंडीशन जो क्रिएट होता है मींस एबडोमिनल कैविटी में एबनॉर्मल फ्लूएड की अकमोलेशन हो जाती है उसको हम कहते हैं एसाइट आगे हम डिस्कस करेंगे इसी तरह हमारे पास है स्पाइड जोमा एबडोमिनल पेन और इसी तरह जो ये गैपसन कैप्सूल जो होता है ये एक ऐसा कैप्सूल होता है जो लेवर को जो इसमें साथ बेर एरिया भी होता है और लेवर में हमारे पास जो हेपेटिक आर्टरी होता है उसको भी कवर कर रहा होता है तो जो एब पेन होगा वो बेसिकली वहाँ पर गैपसन कैप्सूल में एनलार्जमेंट आ जाती है ड्यू टू तो पोर्टल हाइपरटेंशन अब यहाँ पर देखें एसाइट एसाइट जो हमारे पास मीन जो एबडामिनल कैविटी में एडिमा काज हो हो जाता है और इसका बेसिक मै काज क्या है ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइट क्रिएट होता है और ये एसाइट जो है हमारे पास ये इसमें एबडामिनल पेन होगा साथ साथ में गैपसन कैप्सूल जो है वो एनलार्ज होगा इसी तरह पालमल भी ये एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है मींस जो हमारे पास हैंड के तीनर एमेनेंस और हाइपो तीनर होते हैं वो एक्सिस रेडनेस इसमें नज़र आती है और बेसिकली इसका काज क्या है जो हमारे पास एस्ट्रोजन है उसकी इंक्रीज आ जाती है एस्ट्रोजन बेसिकली इसको हम फीमेल हार्मोन कहते हैं लेकिन ये एक स्माल अमाउंट में मेल uh, में भी प्रेजेंट होता है तो जब हेपेटोसाइट की डैमेज होगी तो इसकी मेटाबॉलिज्म एम्पेयर हो जाती हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की इंक्रीज बॉडी में हो जाती हैं और ये एस्ट्रोजन ये बेसिकली ब्लड वेजल की डायलेशन करा देते हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास सुपरफिशियल uh, वेजल्स होते हैं उस सुपरफिशियल वेजल की डायलेशन होती हैं तो हमें एक एक्सिस uh, रेडनेस नज़र आती है पॉम्स में है, इसकेमिन uh, थीनर एमनन्स और थीनर एमिनन्स में तो उसको हम बेसिकली पालमर एरेथमिया कहते हैं ये पालमर एरेथमिया ये सिरोसिस के अलावा और कंडीशन में भी क्रिएट हो सकता है जैसे कि रोमेटिक आर्थराइटिस क्योंकि वहाँ पर जो रोमेटिक रुम, आर्थराइटिस में जो ज्वाइंट होते हैं जॉइंट में जो सराउंडिंग वेजल्स होते हैं वो भी इन्फ्लेमेशन की वजह से वो डायलेट हो जाते हैं तो वो भी रेड नजर आते हैं इसी तरह टॉक्सिकोसिस में एक्सिस मेटाबॉलिज्म की वजह से बी ऐसे मेटाबोलाइट सिक्रीड होते हैं वो मेटाबोलाइट बेसिकली पे वेजल की डायलेशन कर देते हैं इसी तरह पोलीसेथमिया में हमें भी आ, यही पालमर एथमिया क्रिएट हो सकता है क्योंकि जब आर हमारे पास इसकी कलर रेड होती है क्योंकि हमारे पास इसमें जो पेगमेंट होता है हेमाग्लोबिन वो बेसिकली इसको रेड पिगमेंटेशन देने में उसका रोल है तो जो बॉडी में आर की आ, प्लाज्मा में उसकी प्रोडक्शन प्लाज्मा में उसकी जो रेंज है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होगा उसको हम पोलीसेमिया कहते हैं और उस कंडीशन में भी पालमर एरेतिया क्रिएट होता है इसी तरह स्पाइडर इंजोमा स्पाइडर स्पाइडर इंजियोमा आ, बेसिकली ये आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक सेंट्रल वेन होता है डायलेटेड वेन या आर्टरी होता है सेंट्रल डायलेटेड आर्टरी होता है और उससे स्माल स्माल विजल रेडिएट हो जाते हैं और इसका भी सेम रीज़न है कि ड्यू टू द इंक्रीज एस्ट्रोजन ज़्यादातर ये नेक में फेस में इसी तरह चेस्ट में और निपल लाइन के अबव ये स्पाइडर एंजियोमा बन जाता है लिवर सोर्स में ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन इस एस्ट्रोजन का एक और कम्प्लिकेशन भी है कि जब मेल में एस्ट्रोजन की इंक्रीज़ होगी तो मेल में ये गाइनकोमेस्टिया गाएन, कास कर सकता है और इसी तरह सेम अगर फीमेल में भी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है तो फीमेल में ये एमनूरिया आ, सेम ब्रेस्ट एट्रॉफी और इरेगुलर मेंसेस करा देती है लेकिन आप ये बात याद रख ले कि जो टू परसन स्पाइडियर स्पाइडर इंजियोमा होता है वो नॉर्मल केस में भी सम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है अब अगर किसी पेशेंट में किसी पर्सन में टू पर्सन से ये स्पाइडर इंजोमा अबव होगा तो उसमें कोई पैथोजेसिस इन्वॉल्व हो सकता है एक जो इसकी मैनिफेस्टेशन है इसमें ग्लोसाइटिस भी आता है तो ग्लोसाइटिस जो क्रिएट होता है वो बेसिकली जो हमारे पास बी और बी की डिफिशेंसी की वजह से होती हैं तो जो आपको पता है कि जो हैपैटोसाइट टलेटसिल था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हैपैटोसाइट टीलेट्सल स्टिले हैं वो बी की विटामिन ए और इसी तरह मुख्तिक किस्म की फ़ैट की आ, स्टोरेज कर देती हैं जब हेपेटोसाइट की डैमेज होगी वायरल इन्फेक्शन काज होगा या अल्कोहलिजम होगी या मख्त किस्म के मेटाबॉलिक डिजीज़ अगर होंगे जिसकी वजह से हमारे पास पेरनकया की डैमेज होगी सेम हेपेटोसाइड सेल भी वो एक्टिवेट होकर मायोफेब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे तो वही वही स्टोरेज की डिप्लीशन आएगी वो जो जिस माइक्रोन्यूट्रेंट की जो हमारे पास B12 ट्वेल्व था उसकी भी डिप्लीशन आएगी तो जो जब B12 की बॉडी में डिफिशेंसी आएगी तो हम ग्लोसाइटस को इसमें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं इसी तरह ऑलरेडी हम डिस्कस करोगे जर्नडस इसमें क्रिएट होगा जो जर्नडस हमारे पास है ये हाई अनकंजुगेटेड बिलरुबिन इसमें होता है वो जो टिशू में डिपॉजिट हो जाते हैं और ये बेसिकली ये अनकंजुगेटेड बिलरुबिन जो होता है ये अलास्टिन के साथ बाइंड होता है और ज़्यादातर जर्नस को जो हम देख सकते हैं ये हमारे पास में नज़र आते हैं आई में स्क्लेरा में क्योंकि उसकी कलर वाइट होती हैं और जो जार्डस में कलर वो येलो होते हैं तो इज़ अ येलो कलर मोर इम्पोज ऑन द सुपर इम्पोज ऑन द वाइट कलर तो जर्नडस को हम यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन में स्क्लेरा में हम उसको फील कर सकते हैं <coughs> इसी तरह जर्नस की वजह से प्रूराइटस काज होगा ये प्राइटस बेसिकली इसकी वजह से काज हो कि जो अनकंजुगेटेड बेलोबेन होगा और वो टिश्यू में डिपॉज होगा तो वो माइक्रोफेज की एक्टिवेशन करा देती हैं वहाँ पर मास्ट सेल की एक्टिवेशन करा देती है और मास्ट सेल से वहाँ हस्टमीन रिलीज होगा और बेसिकली वही हस्टमीन पर प्रोराइटस और एचन में इन्वाल्व होता है और इसी तरह पेशेंट होता है और मुख्तफ़ किस्म के इन्फेक्शन इसमें कास हो जाते हैं हेमाटोलॉजिकल डिसआर्डर लिवर सोस में हमारे पास हेमाटोलॉजिकल डिसआर्डर भी हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्लिनो में गली हो जाती हैं स्प्लिनो में गली का काज ये है कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन क्रिएट होता है तो बैक प्रेशर जनरेट होता है जो कंट्रीब्यूटिंग वन होता है उसमें अब कंट्रीब्यूटिंग वन कौन है जो पोर्टल वैन बना देती हैं तो इसमें हमारे पास स्प्लिनिक वैन होता है गैस्ट्रिक वैन होता है सुफीजल वैन होता है और साथ साथ में इन, इन, सुपीर इन, 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 मेडल मेजेंटेरिक वैन होता है ये वैन बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है पोर्टल वेन को पोर्टल वेन में ये बेसिकली ड्रेन होते हैं। अब जब पोर्टल वैन में बेक प्रेशर क्रिएट होगा पोर्टल हाइपरटेंशन काज होगी तो यहाँ पर इस कंट्रीब्यूटिंग वैन में भी बैक प्रेशर क्रिएट होगा तो वहाँ पर स्प्लिनिक वेन में भी बैक प्रेशर क्रिएट होगा तो जो हमारे पास स्प्लिन में जो पल्प होते हैं वहाँ पर जो सनोसाइडल केपलरीज़ होते हैं तो वहाँ पर जो हमारे पास है ब्लड है जो आई बी सीज़ है तो और मख्तल किस्म के और ब्लड सेल्स हैं डब्ल्यू बी सी आर बी सी प्लेटलेट हैं तो वो वहाँ पर उसकी स्टेसिस होगी वो वहाँ पर एकाम होंगे तो जब वो वहाँ पर स्प्पिनिक पल्प में एकामेट होंगे तो स्प्लीन की इन्लार्जमेंट होगी स्प्लिनो में गली होगी और अम, इसी तरह जब ये स्प्लिनो में होगी और ज़्यादातर के लिए स्प्लिनिक पल्प में ये ब्लड सेल्स टेसिस करते हैं तो उसकी भी डिस्ट्रक्शन आ जाती हैं तो उसकी वजह से फिर मख्तल किस्म के एनेमिक फैक्टर क्रिएट होते हैं ब्लड ब्लीडिंग टेंडेंसी आ जाती है ब्लीडिंग टेंडेंसी का काज ये है कि जो हेपेटोसाइट की डैमेज हुई थी तो उसकी जो सेंथिसिज फंक्शन थी वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं और ऑलरेडी वी नो द प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसमें जो क्लाटिंग uh, फैक्टर भी इन्वॉल्व है उसकी सेंथिस बेसिकली लिवर में होती हैं तो जब लिवर की इंजरी होगी तो क्लाटिंग फैक्टर नहीं बनेगा जब क्लॉट इन्फेक्ट नहीं बनेगा तो हमारे पास ब्लीडिंग जो हमारे पास ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग होगी मोर देन 11 मिनट तो ब्लीडिंग टेंडेंसी वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाती है अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशन में हमारे पास लिवर सिरोसिस कम्पनसेटरी होता है और कौन सी कंडीशन में डी होते हैं तो जो लिवर सरोस हमारे पास अर्ली स्टेज में होता है तो अर्ली स्टेज में उसमें कम्प्लिकेशन नहीं होते जिसकी वजह से फिर लिवर कम्पनसेटड होता है ये आ, एक ऐसा कंडीशन है जिस हम लेवर को इंजरी से और लेवर की मुख्तल किस्म के जो हमारे पास डैमेज है और कम्प्लिकेशन है वो यहाँ पर नहीं होती तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कंपनसीट्री अब अगर कम्प्लिकेशन क्रिएट हो गए फॉर एग्जाम्पल एनसेफेलोपैथी होगी एसाइट होगा वेजरल हेमरेज होगा तो उस कंडीशन में ये डी बन जाता है तो उसको हम कहते हैं लेट स्टेज तो लेट स्टेज में ये डी कम्पनसैटरी सेरोज होता है क्योंकि इसमें एक इन्वॉल्व होते हैं कंप्लिकेशन में इसके इसमें हमारे पास है पोर्टल हाइपरटेंशन जो पोर्टल हाइपरटेंशन है तो बेसिकली आ, उ, उसकी वजह से आ, हमारे साथ स्प्लिनों में गली हो जाती है जिसकी वजह से पेन साइटोपेनिया क्रिएट होता है मीन वहाँ पर ज़्यादा देर के लिए आ, ब्लड आ, जो हमारे पास है स्टेस होती है स्प्लिनिक पल्प में और वहाँ पर इसकी डिस्ट्रक्शन काज होती है जिसकी वजह से हम हमें पेन सैटोपिनिया हो जाता है एसाइट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी आ, और साथ साथ में जो डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि शंटिंग होती है तो अब जब पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ेगी तो जो हमारे पास जो पोर्टल हमारे पास सिस्टम होता है ये सिस्टम जो है डायरेक्ट सिस्टमिक सिस्टम के साथ शंट हो जाता है मतलब पोटोकेवल शंट बना देती है इसमें हमारे पास ये जो लिव गेस्ट्रिक वेन है वो एनेस्टोसमोसिस करा देती है हेमीजाइगस वेन के साथ और इसी तरह जो हेमराइड होते हैं जिसको हम रेक्टल लम कहते हैं वो भी यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी केवल uh, सिस्टम में भी और इन्फीरियर मेजेंट सुपीरियर मेजेंटेरिक्वेन और मिडल मेजेंटेरिक्वेन में भी हाइपरटेंशन uh, क्रिएट होता है यहाँ पर आप डेग्राम में देख सकते हैं कि कैपेट म्यूडोसा भी इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है क्ले, uh, कैपेट म्यूडोसा क्या है ये एबडामिनल कोलेट्रल सबकोटेनिस विजल होते हैं जो ब्लैकल से एरज होकर सराउंडिंग एबडामन में uh, ये इमर्ज हो जाती हैं और ये बहुत लार्ज होती हैं और uh, नेक्ट आई से हमें नजर आते हैं फिर इसमें हमारे पास है इसलिसिस गैस्ट्रिक वेरिस वेरिस बेसिकली वेरिस मींस लार्ज डायलेटेड विजल देट्स ड्यू टू दोटल हाइपटेंशन तो जो अस्सी परसेंट होता है एटी परसेंट इसमें हमारे पास इसफीजल वेरेस होता है और ट्वेंटी परसेंट इसमें हमारे पास गेस्ट्रिक वेरेस होता है और जब ये लार्ज डेलेट विजल होती हैं ये आखिर में रपच्चर हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर हेमेटोमेस मेलना हेमाटोचीजिया जो मीन फ्रेश ब्लड पर एन एस वर एन स्टूल एंड दे कैन लीड टू हाइपो वॉल्यूमिक एंड दिन कैन लीड टू द डेथ इसमें हमारे पास इंटरनल हेमराइड भी क्रिएट होते हैं ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जो सुपीरियर और इनफीर मेजेंटेरिक वेन होता है उसमें भी प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं तो वो वेजल भी डायलेट हो जाते हैं और वो आखिर में रपच्चर हो जाते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है रेक्टल पाथवे से रेक्टल वे से तो उसको हम कहते हैं इंटरनल हेमराइड्स और इसमें हमारे पास पेरेफ्रल एडिमा भी कास हो, जा, हो, जा, हो जाता है क्योंकि हमारे पास एसाइट क्रिएट होता है और जो एसाइट uh, की वजह से फ्लूट की कमी आ जाती है और इसी तरह पेरेफ्रल एडिमा में भी उसमें क्रिएट हो जाता है पेरेफ्रल एडिमा इसलिए क्रिएट होता है जो हमारे पास है लेवर uh, uh, की फंक्शन में इसमें बेसिकली uh, ये प्रोटीन की सेन्थस कर देते हैं ऑलरेडी हमने कहा कि क्लॉट इन्फेक्टर की भी वो भी ऑलरेडी बेसिकली प्रोटीन है तो साथ साथ में जो हमारे पास बेसिक आसमोट टिक प्रेशर को मेंटेन करता है उसमें जो इन्वॉल्व है वो अल्ब्योमेन प्रोटीन है तो एल्ब्योम प्रोटीन की सिंथेसिस में भी डिक्रीज आ जाती है जब अलब्योमेन प्रोटीन हमारे पास प्लाज्मा में नहीं होगा तो प्रेशर वो डिक्रीज़ होगा जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसके बनस्बत हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और हमारे पास कास हो जाते हैं अब ये एसाइड जो है अगर ये 0.5 लीटर से ज़्यादा हो तो ये क्लिनिकली डिटेक्ट हो सकता है इसी तरह जो एसाइड वेट होता है अगर इसमें 3 ग्राम पर डीएल से प्रोटीन लेस होगा तो ये सेरस एसाइड कहलाएगा यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी लिखी गई है कि सेरम एसाइट एलबोम ग्रेडियंट बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसमें हम सैरम में और एसाइट में हम प्रोटीन अलब्योमिन की वैल्यू देखते हैं अगर ये लिवर में जो सिरोसिस में एसाइट कंडीशन क्रिएट होता है तो उसमें जो साज वैल्यू होता है एस ए, ए जी वैल्यू होता है वो 1.1 ग्राम पर डीएल से इंक्रीज हो जाते हैं मीन जो हमारे पास सिरम में एल्बियोमिन वो डिक्रीज हो हो जाता है और एसाइट में उसकी वैल्यू इनक्रीज़ हो जाती है वन पॉइंट वन ग्राम पर्टीएल से मेन इसका जो कॉम्प्लिकेशन है ये हेपेटिक एनसिपलपेती हैपैटिक एनसीपलोपेती इसलिए काज हो जा हो जाती है जो हमारे पास बेसिकली आ, ये इसका जो हैपेटोसाइड का मेन फंक्शन है ये मेटाबॉलिज़म कर देती है मुख्तफ़ किस्म के टॉक्सिक सबस्टांस की लाइक अमोनिया अमोनिया वेरी टॉक्सिक सबस्टांस दे केन डैमेज अवर टिश्यू आल्सो सी एन एस तो जब एन एच थ्री हमारे साथ नॉर्मली ये लिवर में कन्वर्ट हो जाता है एन एच फोर प्लस में और इसी तरह जब हेपेटोसाइट की डैमेज होगी और ये अमोनिया कन्वर्ट नहीं होगा अदर मेटाबोलाइट में तो हमारे पास अमोनिया प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर वो न्यूरोलॉजिकल वो डैमेज करा देती हैं और इस कंडीशन में भी इस्टेरिस्टिक हो, हो सकता है और वो हम इस तरह फील कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पेशेंट का जो आम है वो एक्सटेंड होता है और उसका जो न, हैंड होता है वो डोरसी फ्लेक्स होता है उस कंडीशन में अगर पेशेंट का जो हैंड एक्सिस मूवमेंट होता है वो क्रिएट होगा उसको हम एस्टरिस, ए, कहते हैं ये बेसिकली यह बेसिकलीपेटिकोपैथी का एक ए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसमें न्यूरोलॉजिकल और मेंटल चेंजेस आ जाती हैं जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस लेतारगी और अगर फॉर एग्जांपल ये एन एच थ्री एक्स इसकीोमोलेशन होगी तो ये कॉमा बी का कर सकता है इसी तरह ये फीटर हैपेटिकस मतलब जो फीटस में भी एन एच थ्री की डिपोजिशन होगी तो वो फीटस में भी ये बहुत डेंजरस होता है और वो उसको भी डैमेज करा देती हैं और जो हमारे पास उस कंडीशन में जो ये एन एच थ्री होता है उसको ये जो एन एच थ्री ये इस पेशेंट के इंसेफेलोपैथिक पेशेंट के ब्रीथ में भी उसको हम मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइक उसकी जो ब्रीथ होती है वो मस्टी उसका जो स्वीट आर्डर होता है यहाँ पर इसमें हेपेटोरिनल सिंड्रोम बी क्रिएट होता है ये जो हैपेटो रीनल सिंड्रोम है बेसिकली उसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है आ, बेसिकली जो विजल होते हैं वो ओवर डायलेट हो जाते हैं फॉर एग्जांपल सिस्टेमिक वेजो डाइलेशन होती है और प्लस वेन जो विजल होते हैं उसकी डायलेशन हो जाती है जिसकी वजह से आ, जो हमारे पास रीनल पेरन होता है उस पर प्रेशर क्रिएट होता है और उसी प्रेशर की वजह से जी में डिक्रीज़ आ जाती है और यू ग्रेजुअली दिस कैन लीड टू द रीनल फे अब एक और कॉम्प्लीकेशन ये हैपेटिक पल्मोनरी सिंड्रोम सेरोसिस के वन थ्री परसेंट वन ओवर थ्री केसेस में आ, हैपेटिक पल्मोनरी सिंड्रोम का हो सकता है और जो हैपेटिक पल्मोनरी सिंड्रोम में इसका मैकेनिज्म ये है कि जो आ, लिवर सिरोसिस में क्रॉनिक कंडीशन होता है एंड स्टेज में तो ये हेपेटोसाइट एक एंडोतीलिन वन की आ, सिक्रीशन करा देती है ये एंडोतीलिन वन ये पलमुंदरी केपेलरी में डायलेशन कास कर सकती है क्योंकि वहाँ पर ये एनोटू की रिलीज़ कर देती हैं जिसकी वजह से एक्सीजन ऑक्सीजन डिप्रावेशन आ जाती है और पोर्टल हाइपरटेंशन क्रिएट होता है साथ साथ में जो कामन लेगेशन होती है उसकी वजह से बी ल्यूकोसाइट माइग्रेट कर जाते हैं टू द पल्मोनरी कैपिलरी और सेम कंडीशन उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज़ हो जाती हैं और वो पल्मोनरी कैपेलरी में डायलेशन कर देती हैं जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट होता है और उसकी वजह से जो हमारे पास लैंक पैरन होता है वो डैमेज हो जाता है ये बेसिकली वो ओवरऑल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर इसमें हमने कहा कि एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इसी तरह कार्डियोवास्कुलर में हमारे पास एडिमा एसाइट ये कंडीशन है और लास्ट में ये सिरोसिस अगर एक्सिस सिरोसिस होगा तो इसी सिरोसिस कंडीशन में जो हैपेटोसाइड है उसमें अगर अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए अनकंट्रोल्ड रिजनरेशन स्टार्ट हो जाए ड्यू टू द नॉक्शिक स्टेमुलाए तो दिस कैन लीड टू द कैंसर ऑफ हैपेटिक सेल कार्सिनोमा उसमें फिर सीवियर पेन होगा स्वेलिंग वेट लॉस दैट कैन लीड टू द सीवियर गेली दिस इज़ दरऑल समरी ऑफ टुडे लेक्चर मोस्ट कॉमन काज ऑफ द अल्कोहल अल्कोहल लेवर डिजीज एंड क्रॉनिक वायरल हेपाटाटस जो सिरोसिस में मेन दो काज है इसमें हमारे पास अल्कोहल और दूसरा है वायरल हेपाटाइटस जो फीचर हम इसमें देखते हैं कि इसमें डिफ्यूज फेब्रोस हो जाता है, ग्रेजुअली सारे लोब्यूल्स को इन्वॉल्व कर देते हैं और इसमें जो हैपेटोसाइड जो रिजनरेट हो जाते हैं वो बेसिकली पेरनकैमल नोड्यूल बना देते हैं और जो फेब्रस होता है वो बेसिकली मायोफेब्रोब्लास्ट की वजह से स्कारिंग और डिपोजिशन होती है इसी तरह दो किस्म के नोड्यूल हम देख सकते हैं माइक्रोनोडलर और माइक्रो नोड्यूलर वो ऑलरेडी एटियोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोनोडलर ज़्यादातर अल्कोहलिज्म में होता है और मैक्रोनोडलर ज़्यादातर वायरल हेपेटाइटिस में होता है और इसके साथ साथ वस्कुलर शंटिंग भी होती है जिसकी वजह से पोटल हाइपटेंशन क्रिएट होता है और ये जो सिरोसिस होता है ये नॉर्मली ज़्यादातर ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट केसेज़ में ये असिमटोमेटिक होता है और इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़्यादातर नॉन स्पेसिफिक होते हैं लेकिन जब टाइम के साथ साथ ये सिम्टोमेटिक बन जाता है तो उसकी कम्प्लिकेशन नज़र आती हैं जिसकी वजह से फिर ये ओवरऑल लिवर इन्वॉल्व हो जाता है और फिर हम आ, इसको लिवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं ये लास्ट में इसकी जो कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन लिखे लाइक एसाइड कंडीशन क्रिएट होता है ड्यू टू द पोर्टल हाइपरटेंशन हेपेटिक इंसपेलोपैथी ड्यू टू द एन थ्री अकमलेशन पोर्टल हाइपरटेंशन ड्यू टू द एक्सिस स्कारिंग इन द स्पेस ऑफ देशी ड्यू टू द माओफेब्रोब्लास्ट इस फीजियल ड्यू टू द बैक प्रेशर जनरेशन In the, the contributing veins like splenic vein, esophageal vein, splenomegaly, due to the big pressure generation and stasis of the blood uh, cells in the uh, splenic pulp, and they can lead to the splenomegaly. Uh, same jaundice this can cause due to the accumulation of unconjugated bilirubin due to the suppression of uh, gluconoryl transferase enzyme, and same cholestasis uh, can lead. सेम हैपेटोरिनल सिंड्रोम इट इज़ ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द रीनल पेरनकायमा ड्यू टू द डायशन ऑफ मेन सिस्टेमिक्वेन्स एंड लास्ट में इस हैपेटोसेलोर कार्सिनोमा भी क्रिएट हो सकता है थैंक यू सो मच दिस इज आवर रेफ्रेंसिस थैंक यू